हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलोक फ्रॉम JCS। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इफ वी टॉक अबाउट अवर लास्ट क्लास, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, फेसेस इन द एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड रिसेंट फेस। इन दिस क्लास वी विल कवर द लास्ट टॉपिक of this chapter, that is democracy at the global level, in which we will study international organization, are these decisions democratic, and democracy promotion. So let we start. So your topic is democracy at the global level. अब इसका meaning क्या है democracy at the global level का? अभी तक हमने जो पढ़ा, democracy in China, democracy in Poland, democracy in India, democracy in Pakistan, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो चाइल्ड, पोलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी क्या चीज़ें हैं? कंट्रीज हैं ये। तो अभी हमने देखा डेमोक्रेसी एट द कंट्री लेवल, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमारे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिस्टर सिंह हैं, उन्होंने फेसिस ऑफ एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ाया, उसके बाद बच्चों को समराइज करने बोला कि आपने अभी तक क्या सीखा। तो यहाँ पर वही कन्वर्सेशन है, फरीदा बोलती है कि हमने ये सीखा कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज तक पहुँच गई। उसके बाद राजेश बोलता है कि हाँ, हम पहले से एक अच्छी दुनिया में रह रहे हैं क्योंकि हम वर्ल्ड डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद सुष्मिता बोलती है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी, ये तुम कैसे बोल सकते हो वर्ल्ड डेमोक्रेसी, मैंने टीवी पर देखा कि जो अमेरिका है उसने इराक पर आक्रमण किया और वहाँ के लोगों को भी परामर्श नहीं दिया गया, जस्टिफाई नहीं किया गया कि ये सही है या गलत। फिर फरीदा बोलती है कि मैं कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो हैं वो डेमोक्रेटिक हो गई हैं। अब राजेश आगे कंटिन्यू करता है, वो बोलता है कि इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। अगर हम बोलें वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ गई है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ गई है? इराक के केस में क्या दूसरी कंट्रीज़ नहीं चाहती कि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी आए? तो सुष्मिता बोलती है, नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता। तभी सिंह सर बीच में इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग जो हो वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों पर बात कर रहे हो। फरीदा जो है वो बात कर रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स विद इन अ डिफरेंट कंट्रीज़ की, और सुष्मिता और राजेश जो हैं वो बात कर रहे हैं रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज़, मीन्स अलग अलग कंट्रीज़ के रिलेशनशिप पे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो अदर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पे हावी हो जाए, ये चीज़ गलत है। सुष्मिता बोलती है, हाँ सर, इराक के केस में यही हुआ है। तो सुरेंद्र बोलता है, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या हम डेमोक्रेसी एट द वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या वर्ल्ड में कोई ऐसी गवर्नमेंट है? अगर गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट कौन है? और अगर गवर्नमेंट नहीं है तो क्या हम ये बोल सकते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है? तो इसमें हमने देखा कि अमेरिका और इराक का केस उठा के इन लोगों ने वर्ल्ड डेमोक्रेसी की बात की, मींस अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया और वहाँ डेमोक्रेसी सेट करने की कोशिश की, तो ये चीज़ गलत है या सही है? अगर गलत है तो उसके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा, ये डिसाइड कौन करेगा चीज़ गलत है या सही है? तो ये डिसाइड करेंगे हम वर्ल्ड लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल पे ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए हमें वर्ल्ड में डेमोक्रेसी चाहिए, मींस ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ये दिखाएं कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो इसीलिए हम इन सब ये सब चीज़ों के बेसिस पे आगे देखेंगे कि डेमोक्रेसी ग्लोबल लेवल पर क्या है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। सुरेंद्र ने जो क्वेश्चन उठाया था कि वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं है, अगर है तो कौन प्रेसिडेंट है, तो हमने देखा वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड है, और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट है। लेकिन वर्ल्ड के लिए कोई गवर्नमेंट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करे? तो आंसर इज, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट होती तो हमें दो फीचर्स जो डेमोक्रेसी के हैं वो फॉलो करने होते, वो क्या है कि इलेक्टेड बाय पीपल और इलेक्टेड शुड हैव बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ऐसी कोई गवर्नमेंट इस तरीके से फॉर्म नहीं हुई है।
तो सुरेंद्र का क्वेश्चन फिर से अराइज होता है, तो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो अब हम देखेंगे वर्ल्ड में ऐसी कोई गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट की तरह ही वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं वो? वर्क करते हैं जैसे कि उन्होंने कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसमें जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट है उन लिमिट्स में उनको रहकर अपनी सरकार जो है वो चलानी पड़ती है। जैसे कि एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री पे जाके अटैक कर दे, तो कुछ रीजंस होना चाहिए, है ना, कुछ लिमिट होनी चाहिए। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इससे विश्व में जो शांति है या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो शांति है वो नहीं रहेगी। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि वर्ल्ड के जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनने बनाए हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का सेटअप किया गया है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ यूएन, यूनाइटेड नेशंस। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। अब इसका काम क्या है? ये पूरे वर्ल्ड के लिए लॉ और रूल्स बनाता है, और जो ये लॉ और रूल्स बनाता है उसको सब फॉलो करते हैं। इसके लिए जो इससे बाइंड है कंट्रीज, वो वर्ल्ड की लगभग सारी कंट्रीज इसके साथ बाइंड है। 193 मेंबर है यूएन के, और वो इसके लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलप एंड सोशल इक्विटी के लेकर जो भी लॉ बनते हैं उसमें इसको हेल्प करते हैं, इसको कॉपरेट करते हैं। अब जो इसका सेक्रेटरी जनरल होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, मींस यूएन का चीफ कौन होगा? यूएन सेक्रेटरी जनरल। अब जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन का ही पार्ट है, मींस यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। इसका काम क्या है? इसका काम है दुनिया में शांति बनाए रखना, और जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके साथ जो इसके 193 मेंबर्स हैं यूएन के, उन सभी कंट्रीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर एक देश गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश पर आक्रमण कर दे, तो जो भी गलत होगा उसके लिए ठीक करने के लिए इसकी खुद की आर्मी है। ये अपनी आर्मी भेजकर जो रॉन्ग डूअर है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, मीन्स जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। अब दो ऑर्गेनाइजेशन और हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसको हम IMF बोलते हैं, सेकेंड इज़ वर्ल्ड बैंक। ये भी यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है उसके अंदर में ही आते हैं। इनका काम क्या है? जो भी कंट्रीज़ अगर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं, और लोन प्रोवाइड करने के पहले उनसे कंसर्न लेते हैं कि आप किस चीज़ के लिए लोन दे रहे हो। और इसमें जो मेंबर्स हैं जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी अपना वोट देते हैं और वो भी डिसाइड करते हैं कि किस कंट्रीज़ को कितना लोन देना है। तो उसी बेसिस पे ये दूसरी कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, आर दीज डिसीजंस डेमोक्रेटिक? अभी हमने देखा वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक यूएन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो कि अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं और इनको देख के लगता है कि ये डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन क्या एक्चुअली ये डेमोक्रेटिक हैं, या क्या ये सचमुच एक डेमोक्रेसी की तरह ही काम कर रहे हैं? ये इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएन की। तो यूएन हर साल एक जनरल असेंबली बुलाता है, जिसमें इसमें जो 193 मेंबर्स हैं, मींस जो 193 कंट्रीज़ हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेते हैं, और सभी कंट्रीज़ को एक वोट देने का अधिकार है, मींस इक्वल वोटिंग राइट भी है सभी के पास। इनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो कंट्री में चुने हुए प्रेसिडेंट होते हैं, मीन्स राष्ट्रपति, वो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो सभी को इक्वली वोट देने का अधिकार है, और पार्लियामेंट, मीन्स हमारी जो लोकसभा है, आपने देखा होगा सांसद जहाँ जाकर आपस में डिस्कशन करते, तो उसी की तरह जनरल असेंबली भी होती है। सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं, और जो वहाँ पर मुख्य जो भी चर्चा होती है उसमें पार्ट लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जो भी डिसीजन होता है सभी फॉलो करते हैं। तो इसको देख के लगता है कि जो यूएन है वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब बात आती है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट की, मीन्स दो देशों के बीच अगर कोई झगड़ा है उसकी बात आती है, तो यूएन उसको लेकर डिसीजन नहीं दे सकता।
तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो लेवल है वो कम है। जैसे हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा है। इंडिया बोलता है कश्मीर हमारी है, पाकिस्तान बोलता है कश्मीर हमारी है। इसको लेके जो इसका केस है कश्मीर का वो यूएन के पास है, लेकिन अभी तक वो एक भी डिसीजन नहीं दे सका। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी यूएन में है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन। जो हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा था वही है ये। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स टेम्परेरी होते हैं। अब जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं वो हैं US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। अब एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब फॉर्म हुई थी तब यूएसए ने बोला था कि आप, इंडिया से बोला था कि आप जो है इस 5 परमानेंट मेंबर में आप भी एक मेंबर बन जाइए। लेकिन हमारे जो चाचा नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया मेंबर नहीं बनना चाहता, आप चाइना को मेंबर बना दीजिए, चाइना हमसे ज़्यादा अच्छी कंट्री है। अब सोचिए ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। आज चाइना जो है उसी पावर को यूज़ करके कितना ऊपर है और इंडिया कितना नीचे है। तो ये काफ़ी बड़ी गलती है मुझे जो लगती है। अब उसके बाद हम बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें जो हर परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर, उनमें हर एक मेंबर के पास वीटो पावर होता है। ओके, मीन्स अगर 5 देश मिलकर कोई निर्णय ले रहे हैं और उसको इन 5 देश में से कोई एक देश डिनाई कर दे, मीन्स अपना वीटो पावर यूज़ कर ले, तो वो डिसीज़न इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, फिर उस डिसीज़न को कोई नहीं मानेगा। ओके, तो वीटो पावर क्या है? मीन्स जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से अगर एक भी किसी डिसीज़न को नहीं चाहता तो वो डिसीज़न फिर नहीं लिया जाएगा। 5 कंट्रीज़ को 5ों को सहमत होना पड़ेगा पूरी तरह उस पर्टिकुलर डिसीज़न को लेके। इससे हम देखते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो प्रोटेस्ट करने लगती हैं, डिमांड करने लगती हैं कि यूएन को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ओके, तो क्लियर है ना? मीन्स यूएन जो है डेमोक्रेटिक एक्टिविटी तो करता है लेकिन एक्चुअल में उतना डेमोक्रेटिक नहीं है। आगे और देखते हैं इसकी कहानी। अभी हमने देखा यूएन कितना डेमोक्रेटिक है, फिर हमने देखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितनी डेमोक्रेटिक है। चलिए अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मींस IMF में भी देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी का लेवल क्या है, कितनी डेमोक्रेटिक है ये। तो अगर हम बात करें IMF की, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मनी लेंडर कौन है? IMF। किसी भी कंट्री को लोन चाहिए IMF के पास जाती है, लेकिन IMF में जो वोटिंग राइट्स हैं वो इक्वल नहीं है। अब वोटिंग राइट्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि अगर किसी कंट्री को लोन देना है तो ये डिसाइड कौन करता है? वोटिंग राइट के थ्रू। मीन सभी कंट्रीज वोट करेंगी, फिर वो डिसाइड करेंगी इस कंट्री को लोन देना है या नहीं देना है या कितना लोन देना है। तो जो वोटिंग राइट है वो इक्वल ही नहीं है। अब जो वोटिंग राइट है उनमें 40% का जो वोटिंग पावर है वो सिर्फ 7 कंट्रीज के पास है, और वो कंट्रीज हैं US, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली एंड कैनेडा। अब इन 7 कंट्रीज़ के पास 40% वोटिंग राइट है, मीन्स इनके वोट की वैल्यू जो है वो 40% है, और बाकी जो 60% की वैल्यू रहती है वो अदर 182 कंट्रीज़ को चली जाती है। तो हम देख सकते हैं वोटिंग राइट इक्वल नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी लेवल यहाँ पर कम है। अब हम बात करते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन का चीफ कौन है। तो चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, इनमें जो भी चीफ बनता है वो US से आता है, मीन्स USA से। क्यों आता है? क्योंकि US जो है वो IMF में या वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो जो US का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो ही वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है। तो यहाँ डेमोक्रेसी में पता चल गई कि सभी देशों का इक्वल राइट नहीं है, सिर्फ US का ज़्यादा। US एक पावरफुल कंट्री है और उसी का IMF पे ज़्यादा कंट्रोल है। अब इन सब चीज़ों को हम कंपेयर करें तो हमने देखा कि कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके हाथ में पावर है। ओके, और वो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं। 5 या 6 कंट्रीज़ हमने देखी या 7 कंट्रीज़ देखी, तो वो जो है वो मेजॉरिटी पावर उन्हीं के हाथ में है। यूएन की बात करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, IMF की बात करें, तो जो वोटिंग पावर है वो इन्हीं कंट्रीज़ के पास है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके पास उतना वोटिंग पावर नहीं है, उनका डिसीज़न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इन कंट्रीज़ का है। ओके, आगे हम बात करें कि ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो
डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है या फिर डेमोक्रेटिक कैसे हैं। तो हमने देखा पहले जो था अमेरिका और रशिया, मीन्स यूएसए और सोवियत यूनियन, ये दो ऐसी कंट्रीज थी जिनके हाथ में बहुत सारा पावर था। ओके, तो ये दोनों मिलके अपने बीच कंपटीशन करती थी और इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, ठीक है, ये आपस में ही बैलेंस बना के रखती थी। लेकिन उसके बाद जो रशिया है, सोवियत यूनियन, उसका डिवाइडेशन हो गया, मीन्स वो कई पार्ट में बट गया, तो उससे जो रशिया की पावर थी वो डिक्रीज हो गई और जो अमेरिका है उसका वो अकेला एक सुपर पावर बचा। तो जो जितने भी हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उस पर किसका कंट्रोल हो गया? यूएस का, मीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो इसी चीज़ को लेकर ये चैप्टर है कि अब डेमोक्रेसी जो है वो ग्लोबल लेवल पर है या नहीं है, या फिर किसी एक का कंट्रोल है या फिर सभी का कंट्रोल है। तो आगे ऐसे और भी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि ग्लोबल लेवल पर इन इंस्टीट्यूशंस पर डेमोक्रेसी लेवल कितना है। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी प्रमोशन की। इस पर हमें दो कार्टून की बात हो रही है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्टून है वो। उसके पहले हम देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्या नीति है। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहता है। मीन्स अमेरिका क्या चाहता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको जबरदस्ती डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए, जैसा उसने इराक के साथ किया। इराक जो थी वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी और उसने वहाँ अटैक करके उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया। अभी हमने कई बार पढ़ा अमेरिका इराक, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि अमेरिका और इराक के बीच में आखिर हुआ क्या था। तो इराक की अगर बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया की एक कंट्री है और इसको 1932 में ब्रिटिश रूल मीन्स अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। 1968 तक यहाँ पर मिलिट्री रूल चला, मीन्स आर्मी का जो रूल था वो चला। उसके बाद सद्दाम हुसैन, जो कि अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का लीडर था, उसने अपनी पार्टी को पावर में ले आया। ओके, कौन आ पावर में आ गया? अब सद्दाम हुसैन। उसकी पार्टी ने जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ थे उनको हटा दिया और जो वहाँ की वुमेन है उनको वोटिंग राइट दिया, मीन्स उनको वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद 1979 ने उसने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया, मीन्स तानाशाह, अब सिर्फ उसी की चलने वाली थी। तो अब जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता वो उनको गोली से उड़ा देता या फिर उन्हें जेल में डाल देता। अब वो हमेशा के लिए खुद को प्रेसिडेंट वहाँ का रखना चाहता था और जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता उसको वो मरवा देता था। तो इससे वो यूएस की नज़र में चढ़ गया, मीन्स अमेरिका की नज़र में चढ़ गया। अब जो अमेरिका और उसका जो अलाइज थे ब्रिटेन, इन्हें लगा कि इराक में सद्दाम हुसैन ने न्यूक्लियर वीपन तैयार कर लिए हैं, मीन्स परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। तो इस डर से इन लोगों ने वहाँ पर जाकर सर्च किया तो उनको कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिले। उसके बाद 2003 में अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक कर दिया इराक पर और सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटा दिया और वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की। लेकिन वहाँ पे जो कंट्रोल होता था वो यूएस की आर्मी का ही होता था, क्योंकि वहाँ पे उसने अपनी आर्मी भेज के फिर उनको वहीं रोक दिया था। अब जो ये वार थी अमेरिका और इराक के बीच की, अमेरिका ने जबरदस्ती इराक पे जो अटैक किया था उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अनन, उन्होंने अनऑथराइज्ड बोल दिया, मींस उन्होंने बोला कि ये इलीगल है जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, वो किसी को डेमोक्रेसी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अब डेमोक्रेसी के फर्स्ट पैरा में जो हमने दो कार्टून की बात की थी उसमें से फर्स्ट कार्टून ये है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की आर्मी है वो डेमोक्रेसी जो कैक्टस के पौधे के रूप में है उसको जबरदस्ती इराक को थमा रही है। ओके, ये जो कार्टून है ये 2004 में पब्लिश हुआ था। ओके, इसमें ये मैसेज दिया गया है कि किस तरीके से अमेरिका जबरदस्ती इराक को कैक्टस जैसा डेमोक्रेसी थमा रहा है। सेकेंड कार्टून में हम देख रहे हैं ग्रीन कलर का आर्मी की ड्रेस में एक बड़ा सा जाइंट छोटे से आदमी को पकड़ के जबरदस्ती वोट दिलवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा जायंट जो है वो अमेरिका है, एक छोटा सा आदमी वो कौन है, ये इराक है। तो जबरदस्ती अमेरिका इराक पे
डेमोक्रेसी थोप रहा है, ओके, जबरदस्ती बोल रहा है कि तुम डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाओ। तो दोनों कार्टून में हमने क्या देखा कि अमेरिका जो है वो जबरदस्ती इराक पर डेमोक्रेसी थोप रहा है। अमेरिका और इराक के केस से कई बेसिक क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये डेमोक्रेसी प्रमोट करने का सही तरीका है? क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री को दूसरी कंट्री पे अटैक करके डेमोक्रेसी स्टेबलिश करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, क्या हर एक केस में बाहर के लोगों को मदद करनी चाहिए? जब किसी नेशन के लोग खुद डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या हमेशा बाहर के लोगों को इंटरवीन करना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो डेमोक्रेसी किसी कंट्री में कोई बाहर के लोग जबरदस्ती स्थापित कर रहे हैं तो वो क्या लंबे समय तक चलेगी और क्या वहाँ के सिटीजन जो हैं वो उसको एंजॉय करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन ये उठता है कि जो आप दूसरी कंट्रीज को गिफ्ट में डेमोक्रेसी दे रहे हैं तो उसमें क्या लोकतंत्र की भावना है या नहीं है? मीन्स आप खुद डेमोक्रेटिक तरीका अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं? तो दीज आर द फोर बेसिक क्वेश्चंस। आपका चैप्टर यहीं ओवर हो गया है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास जो हमारे थी, वीडियो का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज डेमोक्रेसी, टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ चाइल्ड एंड डेमोक्रेसी ऑफ पोलैंड। फिर हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद सेकेंड क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेसेस इन द एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद जो हमारी आज की क्लास में, उसमें हमने पढ़ा डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल और डेमोक्रेसी प्रमोशन। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी की बात की है और डिटेल में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब ये जो इसके जो की टर्म्स हैं, ग्लॉसरी, जिसमें सेंसरशिप, कॉलिशन, कॉलोनी, कम्युनिस्ट स्टेट, कोप, मार्शल लॉ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रेफरेंडम, स्टेट स्ट्राइक, ट्रेड यूनियन, वीटो, ये सब जो टर्म्स हैं इनको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना, इनका मीनिंग क्या है वो पढ़ लेना। फिर आपको जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेरीज बिल्कुल भी अपने माइंड में मत रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।